राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। सभी छात्र अपने नए अध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी के चुनाव के लिए तैयार हो चुके हैं। हमारे पास साथ है मुकेश जी, जिन्होंने खुद ने अपना नॉमिनेशन भरा है। मुकेश जी, सबसे पहले NSUI ABVP निर्दलीय, बताइए कहाँ अपने आप को आप देख रहे हैं इस बार, क्यों? क्योंकि टिकट तो आप लोगों ने बहुत कोशिश की थी। देखिए, जो ये राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र है, ये राजस्थान विश्वविद्यालय की जो दीवारें हैं, ये सब समझते हैं कि ये जो संगठन के दलाल जा रहे हैं, इन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया। सब छात्रों ने देखा है कि मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में या राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वार पर खड़ा रहा, राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र की जायज मांग के लिए यहाँ लड़ा हूँ। साथियों, मीडिया बंधुओं, सब मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में जब बात आई इन संगठनों की, हमें निर्दलीय क्यों होना पड़ा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में जब मैं, या सीट वृद्धि की बात हो, चाहे फीस वृद्धि की बात हो, चाहे शिक्षक भर्ती घोटाले की बात हो, चाहे लाइब्रेरी भवन की बात हो, मैंने हमेशा राजस्थान विश्वविद्यालय के इस मुख्य द्वार पर, यह राजस्थान विश्वविद्यालय का जो द्वार है, यह आज प्रतीक है, मेरी पहचान है, यहाँ मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वार पर छात्रों के लिए लड़ा हूँ। आज बात आई जब इन संगठनों की, जो केवल हमें, मेरे पास 52 लाख रुपए नहीं होने के कारण, ये जो अभिमन्यु पूनिया जो अपने आप को एक संगठन का कर्ता धर्ता बताता है, ये केवल मेरे पास पैसे नहीं होने की वजह से मेरा पिप टिकट। एक चीज बताइए, पिछले 3 चुनाव में देखा निर्दलीय हमेशा अध्यक्ष बनते रहे, कितना उम्मीद है, कितनी उम्मीद है? देखिए, मैं फुल कॉन्फिडेंस है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का एक एक छात्र, प्रत्येक छात्र ये समझता है कि यार राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर किसने संघर्ष किया है और किन्हों ने क्या किया है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रत्येक युवा जो आज मेरे साथ डोल रहा है, मुझे खुशी भी है और मुझे दुख भी है कि ये मेरे साथ है, मैं जरूर राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनूंगा। मुकेश जी की बात है, यहाँ पर देखिए कई और आपको प्रत्याशी मिल जाएंगे। चुनावी माहौल है ये पूरा, चुनावी माहौल में सभी लोगों की अपने अपने एजेंडे, अपनी अपनी बात है। मैं इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ कि ये अपने पैनल को किस तरह से देखते हैं, छात्रों के भविष्य को लेकर ये किस तरह की बातें सोचते हैं, समझते हैं। ये NSUI का पूरा पैनल है, मैं इनके बीच में जाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये पूरा NSUI के वो लोग हैं जिन्हें टिकट मिला गया। क्या एक मिनट, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या क्या वादे आप छात्रों से कर रहे हैं? क्योंकि देखिए परेशानी बहुत ज्यादा है यूनिवर्सिटी में, वादों को लेके जा रहे हैं चुनाव के। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा मेरा ये है, जो ग्रामीण परिवेश से बच्चे आते हैं उनके लिए 5% आरक्षण एडमिशन प्रोसेस में। दूसरा, जो दूर दराज गाँव से आते हैं, एडम ब्लॉक में बैठने की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए वेटिंग हॉल। तीसरा, हॉस्टलों में खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसके लिए सेंट्रलाइज्ड मेस, जिसमें क्या है कि खाने की गुणवत्ता जांच करके उसके बाद खाना दिया जाता है। एक उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रही है NSUI की तरफ से, यहाँ पे बहुत सारी छात्राएं आती है जिनकी अपनी परेशानी है, तो आप किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर अपने छात्र लोगों के बीच में जा रही है? मैंने यहाँ जो प्रॉब्लम्स देखी हैं उनको शॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगी मैं, और मैक्सिमम मैंने जो देखा है, मेरी फ्रेंड्स जो है जो हॉस्टल्स में रहती है उन्होंने बताया है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कूलर की प्रॉब्लम है तो उसको करना, और कैंटीन में भी कुछ प्रॉब्लम्स है, और SSU कैमराज वगैरह। छात्राओं की खास तौर पर सेफ्टी को लेके एक सबसे बड़ी समस्या है, सुरक्षा ज्यादा होनी चाहिए, सेल्फ डिफेंस क्लासेस लगवाना वहाँ रेगुलर, तो इन चीजों को लेके मैं काफी करने की कोशिश कर रही हूँ। NSUI की उपाध्यक्ष पद की प्रत्याशी है, आप भी है, आप कौन से पोस्ट के लिए? सचिव। तो आपके देखो पूरा एक पैनल है आप लोगों का जिसके हिसाब से काम कर रहे हैं, किस तरह की प्रॉब्लम, क्योंकि आप छात्राओं का खास तौर पर प्रतिनिधित्व करेगी, क्या भरोसा दिलाना चाहिए?
मैं महारानी कॉलेज की छात्रा हूँ, तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी कि महारानी कॉलेज की जितनी भी छात्रा है और सारे भैया लोग हैं, मैं सबको साथ लेके चलूंगी, जहाँ भी चलूंगी सबकी सहायता करूंगी। और लेडी सुरक्षा के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि मैं लेडी गार्ड लगाऊंगी, महारानी कॉलेज में सीसीटीवी कैमराज नहीं है वो लगाऊंगी, और हॉस्टल में एटीएम की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है और वो सबसे जरूरी है, तो उसकी भी मैं व्यवस्था करूंगी और जो मेरे को प्रॉब्लम्स होते हैं कि मैं उनकी पूरा सॉल्यूशन करूंगी। यहाँ पर सरकार इस बार कांग्रेस की है, बहुत ज्यादा उम्मीद है कि कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगा। मिलेगा जरूर मिलेगा, कांग्रेस की सरकार है। ये देखिए, ये छात्र हैं, एनएसयूआई का पूरा पैनल यहाँ पर खड़ा है, ये एनएसयूआई के प्रत्याशी हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कुछ छात्रों से बातचीत करता हूँ कि ये लोग क्या चाहते हैं। आप यहीं पढ़ते हैं, इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं भाई साहब आप, तो एक बताइए ना आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसको आप चाहेंगे कि ये जो चुनाव जीत के चाहे कोई भी आए वो सॉल्व करें। यहाँ सर एडम ब्लॉक में ऐसी सुविधा नहीं है, जैसे माइग्रेशन के लिए आते हैं बाहर से लोग तो कई दिनों तक चक्कर काटने पड़ते हैं, कभी आज शाम को ना कल का, इसके लिए तो हमारी सबसे पहले मांग रहेगी कि एडम ब्लॉक का अच्छे सुव्यवस्थित किया जाए। एडम ब्लॉक पर खाना पीना हॉस्टल मैस को लेकर भी बहुत सारी शिकायतें हैं छात्रों की, ये बात अक्सर देखने वाली है। हाँ सर, वो भी समस्या है, कई खानों गुणवत्ता नहीं है वो जो मिलनी चाहिए। सर आप तो इस कॉलेज का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, क्या और विकास चाहिए यूनिवर्सिटी में आपके लिहाज से जो बाकी है, आपको लगता है कि होना चाहिए अब? लेकिन मेरा मानना ये है कि राजस्थान विश्वविद्यालय से अगर कोई डिग्री करके निकलता है, पीजी करके निकलता है, यहाँ कॉलेज में पढ़ के कोई छात्र निकलता है, तो उसको रोजगार के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। इसके लिए एक प्लेसमेंट सेल की स्थापना हो। मैं एनएसयूआई संगठन से हूँ और छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ। हम सब लोग सरकार से भी मांग रखेंगे कि हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों को एक प्लेसमेंट सेल के माध्यम से रोजगार की व्यवस्था हो, जिससे विश्वविद्यालय का गौरवशाली जो इतिहास रहा है कहीं ना कहीं उसमें नए कई चार चांद लग सके। एक चीज़ बताइए ना सर, सबसे बड़ी समस्या अगर बात की जाए यहाँ पर जो टीचर हैं, फैकल्टी की कमी है, कई बार ऐसा है कि क्लास में भी वो नहीं आते। आप लोग कई बार मांग कर चुके हैं कि फैकल्टी अगर ढंग से हो, अच्छे पढ़ाने वाले हो, तो छात्रों को और भी ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन निश्चित रूप से राजस्थान विश्वविद्यालय को, जब मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था उस समय ए ग्रेड मिला था नैक की टीम के द्वारा। यहाँ की फैकल्टी की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी फैकल्टी है, छात्रों को अध्ययन के लिए अच्छे अवसर यहाँ मिलते हैं, संसाधनों की दृष्टि से भी विश्वविद्यालय संपन्न है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें इसकी गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए हमारे यहाँ की फैकल्टी को विशेष रूप से इस तरह की फैकल्टी हो कि छात्रों को कुछ हमारे देश विदेश की नई टेक्निक्स के बारे में हम समझा सकें, जिससे हमारे यहाँ के छात्र इस देश का प्रतिनिधित्व दूसरे देशों में भी कर सके। एक देखिए अहम सवाल है, आप उस पार्टी यानी उस छात्र संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसकी राजस्थान में इस वक्त सरकार है कांग्रेस की, और एनएसयूआई कांग्रेस की अग्रिम संस्था है छात्र की, ये बताइए ना इस बार बहुत टिपिकल होगा, ये टफ होगा ये चुनाव? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि तीन बार का, अगर दो तीन बार का इतिहास देख लीजिए, निर्दलीयों को ज़्यादा मतलब जीत मिलती रही है। देखिए चुनाव, छात्र संघ का चुनाव, सभी चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरे वर्ष भर में एनएसयूआई ने छात्रों के मुद्दे कैंपस में उठाए हैं, मेरा मानना यह है कि विश्वविद्यालय में इस बार एनएसयूआई के पूरे पैनल की कहीं ना कहीं आप देखेंगे, जब 28 अगस्त को परिणाम आएगा एनएसयूआई का पूरा पैनल जीत के आएगा, साथ में जिस तरह से राजस्थान के छात्रों ने विश्वास करके और हमारे संगठन के साथ जुड़ के जिस तरह से उनकी भागीदारी रही है पूरे वर्ष भर की, मेरा मानना है कि पिछले समय में चाहे निर्दलीयों का दबदबा यहाँ रहा हो, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं छात्र संघ में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते रहे हैं। लेकिन अगर दूसरे संगठन की हम बात करें तो पिछले 5 वर्षों से वो कहीं भी इस विश्वविद्यालय के छात्र संघ में अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि विश्वविद्यालय में एनएसयूआई परचम लहराएगी, और साथ में ये राजस्थान विश्वविद्यालय नहीं बल्कि प्रदेश के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में एनएसयूआई का परचम लहराएगा। एनएसयूआई का परचम लहराएगा न केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी बल्कि राजस्थान के इससे संबंधित जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पर भी, ये कहना है पूर्व अध्यक्ष का। और इन्होंने अच्छी बात कही है कि प्लेसमेंट यदि छात्रों को यहाँ मिलना शुरू हो जाए तो शायद युवाओं का भविष्य काफ़ी हद तक सुधर सकता है। कुछ और लोगों से मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, आप भी इस बार वोट डालने वाले हैं यहाँ पर, ये बताइए ना आप क्या क्या उम्मीद करते हैं, चाहे कांग्रेस जीत का है, एनएसयूआई जीत का है, चाहे एबीपी जीत का है, चाहे निर्दलीय, क्या चाहेंगे यूनिवर्सिटी के विकास के लिए? यूनिवर्सिटी के विकास के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ से दूर
दूरदराज जाने वाले छात्रों के लिए यहाँ बसों की सुविधा की जाए, मेन रोड से निकाली जाए और लाइब्रेरी को जल्दी से जल्दी चालू किया जाए और कई डिपार्टमेंटों में वाटर कूलर की समस्या आ रही है, उनमें पानी वाने की समस्या है, फिल्टर खराब है, तो वो ठीक कराया जाए। ये देखिए छोटी छोटी मांगें हैं जिनकी उम्मीद ये छात्र लोग करते हैं कि यूनिवर्सिटी में इनका यदि बेहतर तरीके इनका मैनेजमेंट हो जाए तो शायद इनकी आधी से ज़्यादा परेशानी खत्म हो जाए और ये पढ़ाई लिखाई की तरफ पूरा ध्यान दे पाएँ। यूनिवर्सिटी को क्या चाहिए आपके हिसाब से, चाहे कोई भी जीत का है ये बात अलग होगी, बाद में चुनाव होंगे, वोट भी डाले जाएंगे, सब कुछ होगा, छात्र क्या चाहता है इस यूनिवर्सिटी से? छात्र यूनिवर्सिटी से यही चाहता है कि यहाँ पर हमें अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रहन सहन मिले, सारी सुविधाएँ मिले, बस हम यही उम्मीद करते हैं। हम वैसे मैं तो पूजा वर्मा को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे बीए थर्ड ईयर में हूँ और कैंपस में रहता हूँ छात्रावास में। मैंने यहाँ पे देखा है कि आज तक यहाँ पे जो लड़की टिकी रही, अपनी हड़ताल पे बैठी रही, जिन्होंने हर समय रातों रात यहाँ पे जागते हुए संघर्ष किया, तो हमारा तो उसी को दे। ठीक है सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं? हाँ जी, हम पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी, पॉलिटिकल साइंस के हैं, तो बहुत अच्छी तरह बारीकी से चुनाव को भी समझते होंगे, इसका प्रोसीजर भी समझते होंगे। यूनिवर्सिटी का छात्र क्या चाहता है विकास के अगर लिए है, जैसे बात करूँ, देखिए हो सकता है एनएसयू आए, हो सकता है एबीपी आ जाए या हो सकता है निर्दलीय आ जाए, ये आप लोगों पर तय करेगा क्योंकि वोट आपको देना है और आपका अधिकार भी है। क्या चाहिए आपको लगता है जिससे कि आपको लगे कि छात्रों की परेशानी आधी कम हो जाए? सर, जीत रहा कौन है ये अधिक मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि चेंज हो। राजस्थान का ये सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, लेकिन ये शर्म की बात है कि यहाँ क्लास कल्चर भी नहीं है। शुरू में चुनाव चुनाव बच्चे आते हैं, बच्चों को लाया जाता है लालच देके और उसके बाद में क्लासें नहीं लगती हैं। यहाँ पे एक डिबेट कल्चर खड़ा करने की ज़रूरत है, जैसा JNU में होता है या अच्छे इंस्टीट्यूशंस में होता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी शुरू के 200 रैंकिंग में नहीं है विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में। ये बेहद शर्म की बात है कि 28 राज्य हैं और 28 राज्य में एक राजस्थान जो कि सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से और उसका सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, वो शुरू के 200 यूनिवर्सिटियों की लिस्ट में कहीं भी अपना स्थान नहीं बना पा रहा है, ये बेहद शर्म की बात है। तो होना क्या चाहिए? देखिए सवाल ये है, समस्या है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने ये भी सुन रखा है कि करीब 30 सालों तक छात्रों को डिग्रियाँ ही नहीं दी गई क्योंकि वो कभी प्रिंट ही नहीं करवाई गई थी। इस तरह की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि 30 साल तक डिग्री भी नहीं मिल रही थी यहाँ पे कुछ वक्त पहले तक। सर, डिग्रियों का भी मुद्दा है, अभी हमारे जो पिछले VC थे उन्होंने 30 साल के बच्चों की एक साथ डिग्री छपवाई थी, लेकिन डिग्री छपवाना अपने आप में उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा है एक डिबेट कल्चर खड़ा करना। अधिकांश बच्चे आप देखेंगे चुनावों के पहले या तो उनके नॉमिनेशंस रद्द हो जाते हैं या फिर उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है क्योंकि वो फेल होते हैं। ये असली छात्र वो नहीं है जो 100-100 गाड़ी लेके आते हैं और 2 करोड़ रुपए चुनाव में लगाते हैं। असली छात्र हैं हम जैसे लोग, मेरे साथ साथी रविंद्र कुमार खड़े हैं, ये पॉलिटिकल साइंस है, इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में JRF कर लिया था, हमने सेकंड सेमेस्टर में 2 बार NET कर लिया था, तो हम जैसे लोग विद्यार्थी हैं। और जब तक आप लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे, फिर आपको भी तो लड़ना चाहिए। मेरे को बता चुनाव कैसे लड़ा जाए? हमारे साथ वाले जो हमारे कंपटीशन में वो 10 गाड़ी लेके आते, 20 गाड़ी लेके आते, वो करोड़ करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। हम जैसे किस आधार पे नॉमिनेशन भरे? हम जैसे को नॉमिनेशन भरने नहीं दिया जाता। हम जैसे को डिपार्टमेंट में अगर हम CR भी बने तो वहाँ से जो बाहुबली जो धनबल वाले नेता वो हमको उठा के ले जाए नॉमिनेशन के टाइम पर, हमको दूसरी जगह जाके रख दिया जब तक नॉमिनेशन का टाइम पूरा हो जाए। तो आप बोलिए चुनाव, बताओ क्या किया जाए, ऐसे कैसे चुनाव चलेगा? ये तो कल्चर ही नहीं है चुनाव का। कल्चर नहीं सर, आप तो यूनिवर्सिटी आपके साथ भी आपने कोशिश की थी ना सर? हमारे साथ वालों ने, हमने कोई कोशिश कैसे करें? आप मेरे बताओ, आज आप MP का इलेक्शन देख लो, MLA का इलेक्शन देख लो, उनमें क्या हो सकता है? उनमें कौन हिम्मत कर सकता है? उनमें एक आम आदमी का अधिकार है, वोट देने का भी अधिकार है, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, वो कितना लड़ पा रहा है? आप ये सोचो, कभी कभी बस किसी या तो विधायक का या कोई जानकार का जिसके पास पैसा है वो आएगा, 1 महीने उसने माहौल सेट किया और वो चुनाव लड़ लेगा। आपको भी लगता है कि भीड़ देख के, पैसा देख के ही टिकट मिल रहा है यहाँ पर, चाहे NSUI हो, चाहे ABP हो, चाहे कोई और संगठन? यस सर, जैसा कि मेरे बड़े भैया वो बता रहे थे कि यह होता है हर साल ऐसा ही है कि हमेशा आना लास्ट में कोई आता है बन के और लास्ट में 50-60 लाख दे के और टिकट ले जाता है। तो आम छात्र जो पढ़ते हैं यहाँ पर, शुरू से यहाँ पर स्कूल को या कॉलेज के माहौल, यूनिवर्सिटी के माहौल को देखा, उनको नहीं मौका भी नहीं मिलता? नहीं सर, मौका है ना कभी कभी मिल भी जाता है। इस बार इसी दौरान ABP से जो दीपक कुमार, वो बिल्कुल गरीब छात्र, उनको मौका दिया गया है और वो लगभग वो हमारे हॉस्टल से ही हैं, हम भी हॉस्टल से ही हैं, हम गरीब हैं और वो भी गरीब है, तो उनको ABP ने मौका दिया है, वो उपाध्यक्ष की सीट निकाल के बता देंगे आपको। अच्छा, बता देंगे। देखिए गरीब होना कोई क्राइटेरिया नहीं होता किसी भी टिकट के लेने और देने का, ये तो आप मानते हैं सर। यहाँ है कि आप छात्रों के बीच में कितना जुड़े हुए हैं, वो आपको कितना इसका मैं आपको एक लीगल बात बताना चाहूँगा सर। यहाँ हॉस्टल फॉर ऑल नहीं है, 23,000 के करीबन मतदाता सूची कला, ये 23,000 के करीबन मतदाता है और उनमें से अधिक 3,000 लोग यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में रह रहे हैं, लोग दूर दूर रह रहे हैं। आप मुझे बताइए, 5,000 रुपये लिंग दो की सिफारिश
फिश है। 5000 में कैसे चुनाव होगा जब तक हॉस्टल फॉर ऑल नहीं होता है? आप सबके लिए हॉस्टल अवेलेबल करवा दीजिए, 5000 में चुनाव एक आम छात्र लड़के आपको बता देगा। लेकिन जब तक ये हॉस्टल नहीं है सभी के लिए, तब तक 5000 में चुनाव लड़ना संभव नहीं है, क्योंकि कोई फागी रहता है, कोई नागौर रहता है, ये लड़ना संभव नहीं है सर। तो देखिए, लिंक दो कमेटी की सिफारिश के अनुसार चुनाव कराने की बात की जा रही है, यानी कैंपस को गंदा नहीं किया जाएगा, इस तरह से भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, लेकिन पुलिस की सुरक्षा को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये चुनाव भी कितने चुनौती भरे हो जाते हैं। यहाँ पर छात्र बहुत सारे हैं, उतनी ही तादाद में पुलिस वाले भी हैं, चाहते हैं शांतिपूर्ण निकले, छात्रों का गुस्सा आक्रोश कहीं चुनावी माहौल को ख़राब ना कर दे। और यही कारण है कि मैं कुछ और लोगों से बातचीत करता हूँ। आप भी यहीं पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। माहौल देखने आए खाली। तो आपको क्या लगता है यूनिवर्सिटी में किस तरह से चुनाव होने चाहिए, क्योंकि बाहर के चुनाव तो आपने बहुत देखा, आपने तो माहौल बताइए किस तरह का इस बार का चुनाव? दोबारा बोलो, पूछो काहे पूछो। चुनाव का माहौल बताइए, आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आप तो वोटर है खुद। हाँ, मैं वोटर हूँ। इस बार चुनाव का माहौल क्या है? माहौल बनने से पहले जो ये पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन इतना ज़्यादा सक्रिय है कि चुनावी माहौल बनने ही नहीं दे रहा। छात्रों की जो भावनाएँ हैं उनको दबाई जा रही है बार बार। कोई भी छात्र नारेबाजी करते हैं या गुट बना के खड़े रहते हैं तो पुलिस प्रशासन उनको वहाँ से भगा देता है। लेकिन नहीं करेंगे तो आप ठुक पीट जाएंगे, लड़ाई लकड़ लेंगे सर? ये छात्र संघ चुनाव है, इनमें ऐसा मामला कभी आया नहीं। पिछले 2010 से छात्र संघ चुनाव जो दोबारा शुरू हुए हैं, अभी 2019 तक ऐसा कोई इतना बड़ा मामला हुआ नहीं जितना ये पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन जितना छात्रों की भावनाओं को दबाने में लगा हुआ है। तो ये चाहते हैं कि देखिए, छात्रों के चुनाव की बात है, आप भी चुनाव यहाँ पर है, छात्र हैं? नहीं नहीं, मैं छात्र नहीं हूँ, अपने प्रकाश। तो आप ऐसे ही घूमने आए माहौल देखने? तो कितना अंतर नजर आ रहा है बाहर, जो नगर परिषद, नगर निगम, लोकसभा वगैरह के चुनाव हुए, ये माहौल कितना आपको लग रहा है ये भी उतना ही चुनौतीपूर्ण और इंटरेस्टिंग है? ये इंटरेस्टिंग तो है, क्योंकि इसमें ये छात्र राजनीति है, क्योंकि यहाँ से ही छात्र उठ के यहाँ विधानसभा में यहाँ पर आगे पहुँचता है, तो सबसे ज़्यादा यही है, मतलब इंटरेस्टिंग। और आप इसी नज़ारे को देखना है? राजस्थान कॉलेज से हूँ, बीएससी सेकंड ईयर का छात्र हूँ, राजस्थान कॉलेज से। राजस्थान कॉलेज से हैं? देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी की एक सबसे बड़ी बात है, शायद आप मानेंगे, कि इस यूनिवर्सिटी से जिस छात्र ने चुनाव जीता है उसे कहीं ना कहीं राजस्थान की सत्ता में भी भागीदारी निभाने का एक बड़ा मौका मिला। कई विधायक बन चुके हैं, मंत्री भी हैं, इस वक्त भी दो मंत्री ऐसे हैं राजस्थान सरकार में जो कि इसी यूनिवर्सिटी से छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो एक तरह से राजनीति की शुरुआत कही जा सकती है यूनिवर्सिटी कॉलेज के चुनाव। और जब राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात हो तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में प्रेस्टीजियस माना जाता है, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है और यहाँ से चुनाव जीतने वाले का राजनीतिक कैरियर भी मानो एक तरह से शुरू ही हो जाता है। यह बात अलग है कि छात्र नेता आजकल कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन शायद उतना कामयाब नहीं हो पाते। बहुत सारे छात्र और हैं, मैं उनसे ये बात करता हूँ, भैया ये एक एक चीज़ बताए ना, यूनिवर्सिटी को और कैसे अच्छा बनाया जाए, इसको लेके भी आप लोग वोट डालेंगे या खाली ये आदमी एनएसयूआई का, ये एबीपी का वोट देना दे दो? नहीं सर, पार्टी मायने नहीं रखती, कैंडिडेट भी बहुत मायने रखता है हमारे लिए, क्योंकि स्टूडेंट जो हर दिन हमारे समस्याओं को सुन सके, हॉस्टलों की सुविधा है, छात्रों छात्राओं की सिक्योरिटी का मामला है, और यहाँ जो आए दिन दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, उन सबको कंट्रोल करने वाला ऐसा स्टूडेंट लीडर हमें आवश्यक है। क्या क्या विकास होने चाहिए? देखो, इन्होंने समस्या बताई है, क्या क्या होना चाहिए जो नहीं हो पा रहा इतने सालों में? देखो, विकास के हिसाब से तो जो अपने एडम ब्लॉक है ये, इसमें तो सारा सिस्टम ऑनलाइन होना चाहिए, और जो यहाँ पे डिपार्टमेंट में है उनमें महिला टॉयलेट की सही सुविधा नहीं है, और जो ये नारा देते हैं कि महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाएंगे, मुद्दा तो उठाते हैं लेकिन ये उसको पूरा करने में कामयाब नहीं रहते, और कुछ मांगे ऐसी हैं जिन पर धरना प्रदर्शन करते हैं लेकिन वो प्रदर्शन तो करते हैं, वो उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है, तो ये मुद्दा तो उठाते हैं लेकिन उन मुद्दों को पूरा नहीं कर, और जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो मुद्दों को और काम को देख के वोट देंगे। धन्यवाद। काम को देख के वोट देंगे, बहुत बड़ी बात कही है सर। अपना नाम और कहां, किस पार्टी से आपने चुनाव भरा, मतलब एनएसयूआई, एबीपी या निर्दलीय? मैं निर्दलीय अपना नामांकन भरा हूं। एनएसयूआई वालों ने जिस हिसाब से अपना प्रत्याशी उतारा है, वो 12वीं फेल प्रत्याशी है, उसका आप नामांकन अभी तक उसने शायद भरा तक नहीं, और जिस हिसाब से अनुसार प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया जी को इस चीज़ की जानकारी होते हुए भी उन्होंने उसको अपना प्रत्याशी बनाया। इस आप भी बहुत कोशिश कर रहे थे इस चीज़ को लेकर, बार बार बताए थे कि वो 12वीं पास भी नहीं है, इस बात को लेकर कई दिनों से आप ये मुद्दा भी उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुद्दा जब तक उठता रहा है जब तक उसकी डिग्री कम्प्लीट नहीं हुई, जब एक प्रत्याशी
खुद 12वीं पास है, खुद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है और वो खुद को एनएसआई का प्रत्याशी बताता है, इससे बहुत बुरी हालत क्या होगी संगठन की। आपने देखिए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भरा, चुनौती बड़ी है, लेकिन इस बात की भी उम्मीद है कि पिछले 2-3 चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी ही कामयाब होते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस हिसाब से मेयर को यूनिवर्सिटी प्रशासन और इन्होंने मिलके मैं एलिजिबल था उसको नॉन एलिजिबल करके मुझे कोर्ट में जाना पड़ा, मैंने कोर्ट से दुहार लगाया और कोर्ट न्यायपालिका ने मुझे न्याय दिया और मैं न्याय लेके यूनिवर्सिटी में अब निर्दलीय अपना परचम लहराऊंगा। और अब तक पिछले 2-3 साल से निरंतर अध्यक्ष बनते हैं वो है निर्दलीय, क्योंकि निर्दलीय वही होता है जिसने मेहनत की है। एक एक आखिरी सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, देखिए आपको इतने मजबूर हो गए थे कि आप कोर्ट में जाके अपने लिए अधिकार के लिए आपने लड़ाई लड़ी है और आप कोर्ट ने आपको चुनाव लड़ने की इजाज़त भी दे दी, अब छात्रों के लिए क्या किस तरह का वादा करेंगे, कोई खास वादा, क्योंकि इनकी समस्याएं बहुत है, उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला, यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा अभी यूनिवर्सिटी 200 जो यूनिवर्सिटी का 10 या 60 पे आता था यूनिवर्सिटी, आज 200 अभाव है। क्यों? यहाँ की भ्रष्टाचार, 200 में भी नंबर नहीं है, नहीं है, 200 अभाव है इस, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन भ्रष्ट है। और मैंने निर्णय लिया है मैं एक ही चीज़ पे चुनाव लड़ूंगा, छात्रों के लिए आज तक 60 साल में कभी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी के सामने से कभी सरकारी बस नहीं चल पाई, यूनिवर्सिटी के सामने से कभी रोडवेज बस नहीं चल पाई, यहाँ कम से कम हजारों छात्र पढ़ते हैं, उसके लिए मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है मैं यूनिवर्सिटी के बाहर से जो कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान कॉलेज और कैंपस, उसमें मैं उसके सामने सरकारी बस चलाऊं। ठीक है, ये अशोक नागना जी हैं जिनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इन्हें चुनाव भी लड़ने नहीं दिया गया, कई दाव पेच इनके सामने आए थे, अदालत से जाके अपने लिए चुनाव लड़ने की हरी झंडी दिखाया और अब अपने वादे और इरादे दोनों ही इन्होंने साफ कर दिए और कहा है कि छात्रों की उम्मीदों पर ये खरा उतरने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से आप लोगों के पास आता हूँ, ये बताओ ना सर और क्या क्या चाहिए आपको यूनिवर्सिटी के विकास के हिसाब से, क्योंकि छात्र नेताओं से बातचीत की, भाषण बहुत अच्छा दे रहे हैं, सब कह रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, आपको असली में क्या चाहिए, अच्छा खाना हॉस्टल में, अच्छी पढ़ाई या क्लास में टीचर, क्या चाहिए? देखिए जिस प्रकार से राजस्थान विश्वविद्यालय में हम देख रहे हैं कि अलग अलग पार्टियाँ अलग अलग कैंडिडेट लेके आती हैं और जिन पार्टी के पदाधिकारियों को पीटा था उनको एबीवीपी ने, अरुण शर्मा को, जैसे ही आप रिपोर्टें देख सकते हो गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है कि तिरंगे का अपमान अरुण शर्मा ने किया है, रामकेश मीणा को, दलित को जो पदाधिकारी था एबीवीपी का उसको अरुण शर्मा ने पीटा है, तो अरुण शर्मा को टिकट क्यों दिया फिर? मतलब पार्टी के पदाधिकारियों को जो पीटता है उसको तो एबीवीपी ने टिकट दिया है और जो राष्ट्रगान का अपमान किया उनको एबीवीपी ने टिकट दिया है। और जैसे देख रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय की जो आम समस्याएं हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में, जैसे हॉस्टल की समस्या है, तो हॉस्टल से निकले हुए छात्र ही हॉस्टल की समस्याएं समझ पाते हैं और उत्तम चौधरी हॉस्टल में रहा हुआ है, एनएसयूआई का मतलब जो नीचे के स्तर के जो मतलब कार्यकर्ता हैं, जो आम कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है, आम छात्र छात्राओं से जुड़ा हुआ है, हॉस्टल में रह के उसने पढ़ाई की है हॉस्टल में। एक बात, एनएसयूआई या एबीपी इस बार? इस बार मैं तो कहूँगा कि जो मतलब सरकार के साथ रह के जो तालमेल बिठा के काम किए जा सकते हैं वो विपक्ष में रह के नहीं किए जा सकते। आज राजस्थान विश्वविद्यालय का इतना पिछड़ने का अगर कोई कारण है, इतनी फीस अगर हाई हो रही है, तो वो यही कारण है कि सरकार के साथ, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, सरकार के साथ हम तालमेल नहीं बिठा पाए। इस बार हम चाहते हैं कि कांग्रेस की राजस्थान में सरकार है तो एनएसयूआई का यहाँ से प्रतिनिधित्व चुन के जाए ताकि मंत्रिमंडल में भी अपनी बात रख सके, सिंडिकेट का मेंबर भी बन सके। आप राजनीति विज्ञान के तो छात्र नहीं है, पॉलिटिकल साइंस के? नहीं, मैं पॉलिटिकल। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए सरकार के साथ चलने वाली बात कर रहे हैं तभी विकास संभव है। आप भी यही मानते हैं कि सरकार के साथ चलोगे तो ही विकास होगा या? सर ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार की तालमेल, यहाँ पे हम सरकारें बनाने नहीं आए, एक छात्रों की समस्या उठानी है। ऐसा बंदा, ऐसा कैंडिडेट कि जो छात्रों की समस्या हर तरह से उठा पाए। अब ऐसे तो है नहीं कि जो एबीवीपी का या निर्दलीय कोई प्रत्याशी अगर यहाँ से चुना जाता है उसको कोई मंत्री है या जो मुख्यमंत्री जी है वो उन्हें टाइम नहीं देंगे, उनकी समस्या नहीं, वो भी यहाँ के छात्रों की समस्या उठाने जा रहा है। यहाँ पर अगर जो डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, हमारी सरकार है डिजिटल इंडिया, लेकिन यहाँ पर एक भी क्लासरूम डिजिटल इंडिया के नाम से नहीं है, एक भी डिजिटल क्लास नहीं है, डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी में इतनी कमी है, नई लाइब्रेरी बनी है और नई लाइब्रेरी स्टार्ट नहीं हुई है भाई, इतने बच्चे बढ़ रहे हैं, इतने हैं, हर साल 10% का कोटा बढ़ रहा है, लेकिन
आज जो डिमांड है राजस्थान विश्वविद्यालय की, वो डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। आज आप देखेंगे इतने हॉस्टल यहाँ पे चाहिए, लेकिन उतने जो आज से 10 साल पहले जितने हॉस्टल थे या 15 साल जितने पहले हॉस्टल थे, आज उतने ही हॉस्टल है, नए हॉस्टलों का निर्माण नहीं हुआ है। अगर मतलब छात्रों की संख्या बढ़ी है लेकिन सुविधाएं नहीं बढ़ रही है, सुविधाएं भी नहीं बढ़ रही, सीटें भी नहीं बढ़ रही। हम तो ये बोल रहे हैं पास को प्रवेश दो, जो पास हुआ है, जो सही मायने के अंदर मतलब अपना कैंडिडेट या जो विद्यार्थी पूरे विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए मतलब तालमेल रखता है या जिसके उसके परसेंटेज है, तो उसको एडमिशन मिलना चाहिए। हाँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, ये अच्छी बात है कि बच्चों का ग्राउंड स्तर पे तैयारी हो रही है, लेकिन आप अच्छे से अच्छा परसेंटेज देके एक राजस्थान विश्वविद्यालय को, जो आज से 10 साल पहले आप राजस्थान विश्वविद्यालय का देखोगे कि राजस्थान विश्वविद्यालय का नाम एक बहुत ऊंचाइयों के ऊपर था, आज राजस्थान विश्वविद्यालय का नाम दिनों दिन डाउन आ रहा है। आज विश्व की जो मुख्य यूनिवर्सिटीज है या इंडिया की जो मुख्य यूनिवर्सिटीज है, उनके टॉप 50 के अंदर भी राजस्थान यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ का प्रतिनिधित्व कमज़ोर है, हमारे सरकारें कमज़ोर हैं, हमारे आज आप देखेंगे कि नहीं नहीं मैं आपके आपकी पूरी बात मान रहा हूँ सर। एक बात बताओ, आप भी वोटर हो यहाँ के? अच्छा, आप हो ना वोटर, आपको क्या लगता है कि NSUI को वोट देंगे, ABUP को देंगे, क्योंकि राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, या प्रत्याशी के चेहरे को ध्यान में रखेंगे? सर, इसमें तो जो यूनिवर्सिटी के लिए विकास करें, मैं यहाँ 4 साल से पढ़ रहा हूँ रेगुलर, न तो इस यूनिवर्सिटी में कोई डेवलपमेंट हुआ है, कोई चाहे वो किसी पार्टी का अध्यक्ष हो। आज जैसे लॉ डिपार्टमेंट में पढ़ रहा हूँ तो वहाँ आज भी न तो लाइब्रेरी कोई ऐसी सुविधा, कुछ भी सुविधा नहीं, न कोई कूलिंग सुविधा है, आज वहाँ कोई डस्ट है। अभी मौसम में बाकी दीवारों से पानी आ रहा था, ऊपर से टपक रहा था, कोई विकास नहीं है। तो मतलब आप बातें सबकी सुनेंगे और वोट अपने सोच अपने मन के हिसाब से देंगे, जो आपके यूनिवर्सिटी के लिए फ़ायदा पहुँचाएगा, यही है। ये देखिए, यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, किसको वोट देंगे, NSUI, ABUP या जो आपके लिए विकास कर सके उसको, उस प्रत्याशी को दिमाग में रखें? हमारे लिए विकास करेंगे उसी को वोट देंगे। लेकिन यहाँ तो NSUI वाले भी बोल रहे हैं करेंगे, ABUP वाले भी बोल रहे हैं और निर्दलीय प्रत्याशी भी बोल रहे हैं, कैसे भरोसा कर पाएंगे? कुछ है आपके पास आइडिया, रफ आइडिया? जो विद्यार्थियों के लिए करेगा, जिसने पहले से शुरुआत से इलेक्शन में जीतने से पहले जो विद्यार्थियों के लिए काम किया है उसी को करें, जो अभी पहले से काम कर रहा है वही, उसी पे भरोसा कर सकते हैं। पैराशूट वाले को नहीं, मतलब यही है, पैराशूट जो टपक जाते हैं अचानक चुनाव के टाइम, उनको नहीं? नहीं, उनको बिल्कुल नहीं, जो शुरुआत से कर रहा है उसी का साथ देंगे, जो शुरू से छात्रों के अधिकार के लिए लड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज में आमतौर पर यही देखा गया है कि जैसे ही क्लासेस शुरू होती है, प्रवेश शुरू हो जाता है, कई सारे नेता आ जाते हैं छात्रों को प्रवेश से लेकर सभी तरह की इन लोगों की हेल्प करने, और इन्हीं में से एक को चुनना पड़ता है। यहाँ पे देखिए एक और प्रत्याशी हैं, संजय जी, निर्दलीय हैं ये, देखिए तो ये भी अपनी बात यूनिवर्सिटी के मेन गेट के पास ही खड़े होकर बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि छात्र इनकी बात को सुने समझे और उन्हें वोट देने के लिए क्यों वोट दिया जाए। छात्र ये बात कहने की एक लगातार कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके साथ ये छात्रों का समूह है, ये लोग तय करेंगे कि किसको वोट देना है, क्यों इनके साथ हैं, छात्रों को तय करना है। चुनाव है, क्योंकि कॉलेज के कैंपस की ये लड़ाई है। मैं इनसे बातचीत करता हूँ, पहले अपना नाम और किस उस पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं? सर जी, मेरा नाम संजय चची है और राजस्थान विश्वविद्यालय में आज मैंने महासचिव का नामांकन भरा है, और मुझे विश्वास है कि ये जो राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति मुझे मत और समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनाएगी। नहीं, विजय बनाएगी वो तो ठीक है, लेकिन छात्रों से जब मैं बात कर रहा था वो बता रहे थे बहुत सारी समस्या है, एडमिशन से लेके उनके पास न तो डिजिटल क्लास है न हॉस्टल की सुविधा। क्या आप ये सबका वादा करते हैं अगर जीतते हैं तो? देखिए सर, मैंने विद्यार्थी परिषद जो एक राष्ट्रवादी संगठन है उससे जुड़कर यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रत्येक आम छात्र के लिए कार्य किया है, चाहे इसे लाइब्रेरी का मामला हो या फीस वृद्धि का मामला हो या माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मामला हो या राजस्थान विश्वविद्यालय का एक डिपार्टमेंट जो समाचार पत्र का डिपार्टमेंट को बंद कर दिया गया था उससे मैंने उसे चालू कराने के लिए मैंने लड़ाई लड़ी। साथियों, मैं मानता हूँ कि इस राजस्थान विश्वविद्यालय में एक आम छात्र अध्ययन करता है, लेकिन मैं हमेशा पहले भी उनके लिए खड़ा था और आगे भी आम छात्र के लिए खड़ा रहूंगा। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में कोई भी मुझे आम छात्र पुकारेगा, मैं इस राजस्थान विश्वविद्यालय गेट पर ही मौजूद आऊंगा। चुनौती मानते हैं कि इस वक्त जो सरकार है कांग्रेस की है, हवा माहौल वगैरह कुछ नजर आ रहा है कि मतलब चुनौती भारी रहेगी इस बार टक्कर? देखिए,
राजस्थान सरकार का इस राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में कोई ताल्लुक नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान विश्वविद्यालय में सरकार थोड़ी पढ़ने आती है, एक आम छात्र पढ़ने आता है, जिनके लिए मैंने कार्य किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर पढ़ने वाला छात्र और या छात्रा जिनके लिए मैंने इन 6 सालों में संघर्ष किया है, वो मुझे मत और समर्थन देकर विजय बनाएगी। और मैं मानता हूँ कि सामने वाली पार्टी एबीपी हो या एनयूएसआई, मैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं मानता, क्योंकि मैंने मेहनत की है, मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं भारी मतों से चुनाव जीत के आऊंगा। भारी मतों से चुनाव जीतोगे, संजय का कहना है। और इनका यह भी कहना है कि सरकार भले ही राजस्थान में किसको, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि छात्र राजनीति करने वाले लोगों को यूनिवर्सिटी या कॉलेज कैंपस के छात्रों से जुड़कर ही रहना पड़ता है, उन्हीं के कामों को आगे करना पड़ता है। आप भी यही मानते हो कि जो छात्र आप लोगों से शुरू से जुड़ा हुआ, चाहे एडमिशन लेने वाले दिन से, उन्हीं को वोट देंगे, या कुछ और दिमाग में चल रहा है, जाति धर्म पार्टी कुछ चल रही है? देखिए सर, मैं जाति धर्म को तो ताल्लुक नहीं रखता, जो बंदा शुरू से छात्रों के साथ जुड़ा रहता है मैं उसको मानता हूँ, क्योंकि हम यहाँ देखना तो एबीपी ना एनयूएसआई, दोनों देखो, दोनों संगठन के छात्र हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन जो संघर्ष छात्र नेता आता है, जो हमारे साथ जुड़ता है, जो हमारा काम करवाता है, हम उनको देते हैं कि वही जीते, क्योंकि हम ये भी चाहते हैं कि वो भविष्य में हमको जरूर मदद करे, इसलिए हम चाहते हैं कि छात्र नेता वही चुने जो हमारे लिए काम आए, मतलब हम पहली बार वोट देंगे लग रहा है आप तो कॉलेज का सेकंड ईयर में पढ़ते हो, अरे वाह गुड, क्या सोच के वोट देंगे, क्योंकि जवान हो और आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज में बहुत सारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये सोच के वोट देंगे कि हमने दूसरी बारी वोट दे रहे हैं और एक अच्छा नेता चुने जो हमारे लिए काम करे, और हमारी फैसिलिटीज जो है कॉलेज की वो अच्छी नहीं है वैसे तो, और उसको अच्छी करवाए तो ये देखिए फैसिलिटी अच्छी नहीं है। आपके दिमाग में क्या सोच रहे कि जिस भी नेता को चुनेंगे आप, जिसको भी अध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव, उपाध्यक्ष चुनेंगे? हम चाहेंगे कि हमारी कॉलेज में क्लास रेगुलर नहीं लगती, हमारे यहाँ पर डिजिटल क्लास स्टार्ट होनी चाहिए, जिससे हम बीएससी के साथ साथ कंपटीशन तैयारी भी स्टार्ट कर सके, इसलिए हम अच्छे नेता को चुनेंगे और हमारे भविष्य को देखते हुए हम संजय जी को वोट देंगे। आप सब तो यूथ हो, शायद आप ये भी चाहेंगे कॉलेज में अगर प्लेसमेंट एजेंसी आ जाए तो शायद आप लोगों का भविष्य अच्छा हो जाए। तो अपने जो भी नेता वोट मांगना रहे उनको समझा रहे हैं कि इसकी व्यवस्था करो तब वोट ले जाओ या नहीं? सभी के साथ बातचीत की थी, लेकिन हमको सबसे अच्छा जिसका नेता लगा, हम किसी कास्ट से संबंध नहीं रखते हैं, हमको संजय चेची अच्छा लगा था, क्योंकि जिन्होंने हमारे जब फॉर्म भरने आए थे तब से लेकर तब से छात्र हुए तो हमें तभी क्लास के लिए, उनको तो एबीपी ने टिकट भी नहीं दिया, अगर अच्छे होते तो। एबीपी ने किया है वो हमको पता है, एबीपी ने इसलिए किया है कि वो जातिवाद किया गया है, साफ साफ अरुण शर्मा को हमने कभी देखा नहीं कॉलेज में, फिर भी उसको टिकट दिया गया, क्यों दिया गया हम ये जानना चाहते हैं। सर हम इन्होंने ऐसे बोला कि आप गुजर समाज से बिलोंग करते हैं, इस कारण संजय चेची को एबीपी से टिकट नहीं दिया, इस कारण सर बताना चाहते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में कोई भी गुजर, जहात, मीणा, गुजर कोई भी कुछ नहीं होता, हम सिर्फ एक अच्छे अध्यक्ष को चुनना चाहते हैं सर, इस कारण हम संजय चेची का फुल सपोर्ट करते हैं सर। देखिए ये छात्र हैं, भविष्य भी हैं देश का, और इनकी विचारधारा सुन के एक बात तो साफ लगता है कि ये अब किसी भी राजनीतिक दल या संगठन के जुड़ने की बजाय एक ऐसे छात्र नेता को अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं, जो कि इनके विकास के लिए काम करे, इनकी समस्याओं का समाधान करे, यूनिवर्सिटी कॉलेज का विकास कर सके। तो कैंपस की जंग राजस्थान में शुरू हो चुकी है, केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि राजस्थान में जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर इसी तरह का आपको माहौल नज़र आएगा। सुरक्षा की बात की जाए, कड़ी चाक चौबंद सुरक्षा यहाँ पर है, होनी भी चाहिए, क्योंकि छात्रों का खून गर्म होता है, छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ लेते हैं, तो ऐसी स्थिति ना आए, ऐसी नौबत ना आए, इसकी पुख्ता इंतजामात किए गए हैं, कुछ सख्तियाँ की गई है, उसी सख्ती को ध्यान में रखते हुए अब छात्र नेताओं को छात्रों के बीच में जाकर अपने लिए वोट और सपोर्ट जुटाना पड़ेगा। यह बात भी अलग है कि ये लोग घरों में भी जा रहे हैं अब यूनिवर्सिटी कैंपस को छोड़ के, क्योंकि इन लोगों के पास एड्रेस है सभी छात्रों का, तो जो इनके मतदाता हैं, ठीक चुनाव की प्रक्रिया वैसे ही यहाँ पर हो रही है जैसा कि दूसरे चुनावों में देखने को मिलती है, लेकिन राजनीति की पहली सीढ़ी कॉलेज कैंपस को, यूनिवर्सिटी कैंपस को माना जाता है, तो ऐसे में कोई भी प्रत्याशी अपना दमखम जिताने में, दिखाने में और जीत में कोई कसर बाकी नहीं रख रहा। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।